अच्छा, हम लोग कर रहे हैं मल्टीमीडिया का चैप्टर आज। मल्टीमीडिया के चैप्टर में क्या होता है, उसमें इमेजेस और साउंड्स के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इमेजेस में कौन कौन सी इमेजेस होती हैं आपके पास, और इमेजेस का जो डाटा है वो कैसे स्टोर हुआ होता है, फाइल साइज़ की कैलकुलेशन और कुछ टर्म्स हैं जो कि आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम इमेजेस में हम लोग डिस्कस करें दो चीज़ें जो हैं अलग अलग, जो आपकी टाइप्स ऑफ इमेजेस हैं वो क्या क्या हैं। एक बिट मैप इमेजेस होती हैं और एक आप लोगों के पास वेक्टर इमेजेस होती हैं। हम लोगों ने क्या करना है, इनको डिटेल में डिस्कस करना है। अभी फिलहाल मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को कि बिट मैप और वेक्टर में डिफरेंस क्या होता है, फिर आगे जाके हम लोगों ने इसको बिट मैप को अलग पढ़ना है और फिर वेक्टर को अलग पढ़ना है और फिर दोनों को एक कंपैरिजन भी करना है हम लोगों ने। सही, चलो सिर्फ बात करते हैं बिट मैप की। बिट मैप में क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए हुए हैं ये एक पिक्सल कहलाता है। ये जैसे एक पिक्सल है जिसका कलर है वाइट, हर पिक्सल का एक अपना कलर होता है। जैसे इस सिनेरियो में इस पिक्सल का कलर क्या है, ग्रीन। तो अब हम लोग करते क्या है कि इन पिक्सल्स को कंबाइन करके एक पर्टिकुलर इमेज क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने ये पिक्सल यहाँ फिक्स किया और ये पिक्सल मैंने यहाँ फिक्स किया। एक ये बहुत जूम्ड इन पिक्चर है। सही है, हुआ क्या कि मैंने हर एक पिक्सल को लिया, हर एक पिक्सल को कंबाइन करके मैंने क्या किया, एक इमेज क्रिएट की है, उसको कहते हैं बिट मैप इमेजेस। हम लोग क्या करते हैं, बिट पिक्सल्स का इस्तेमाल होता है। बस एक चीज दिमाग में रखनी है, बिट मैप इज इक्वल टू पिक्सल। चलो, बिट मैप क्लियर हो गया। अब आते हैं वेक्टर पे। वेक्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स बेसिकली क्या है, आप लोगों के ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स और शेप्स से मिला के और कुछ इंस्ट्रक्शंस हम लोग उनको देते हैं, और सिर्फ ज्योमेट्रिक शेप्स जितने भी होते हैं हम उनसे एक शेप क्रिएट करते हैं रादर देन पिक्सल्स। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल इस सिनेरियो में देखो कि मेरे पास एक ये शेप था, एक ये रेक्टेंगल शेप था और मेरे पास एक ये रेक्टेंगल शेप था। अब मैंने इन शेप्स को इस्तेमाल करते हुए अगर मैं इनको जूम इन करूंगा तो इसके अंदर पिक्सल्स मौजूद नहीं हो। सही है। अच्छा, अब मैं क्या करता क्या हूँ कि वेक्टर ग्राफिक्स जब भी बनते हैं तो वो शेप्स, लाइंस, कोई भी ज्योमेट्रिक शेप जितने भी हैं उनको कंबाइन करके हम लोग एक शेप बनाते हैं। अब ये लाइन भी हो सकती है, कर्व भी हो सकता है, इवन कि अगर आप इस लोगो को देखते हो तो ये भी जितना भी टेक्स्ट है, ये जितना भी सारी चीजें बनी हुई हैं, ये सब वेक्टर ग्राफिक्स पर बनी हुई हैं। मतलब मैं इसको जितना जूम इन करवा के कर लूँ इसमें पिक्सल्स आप लोगों को शो नहीं होंगे। होता क्या है, बहुत गौर से सुनना, होता क्या है कि आप लोग क्या करते हो, जो ये फाइल थी ना जिसमें ये सारी चीज़ें स्टोर हुई हुई थी, जैसे पी और ये एक नीचे जो येलो लाइन आ रही है, ये सारी जो चीज़ें स्टोर हुई हुई थी, इससे हुआ क्या कि हम लोग जब भी एक इमेज आप लोगों की अगर आप इनलार्ज करवाते ना, एक तरीके से वो इमेज जो है वो इनलार्ज हो नहीं रही होती, वो एक तरीके से रिक्रिएट हो रही होती है। इसीलिए आप इंस्ट्रक्शन स्टोर करते हो। मतलब सपोज कर ये मेरी एक फाइल है जहाँ पे आप लोग क्या करते हो, इंस्ट्रक्शन स्टोर करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ये फाइल है आप लोगों की वेक्टर ग्राफिक्स की। तो इसमें इंस्ट्रक्शन स्टोर हुई भी है कि कौन सा शेप है, उसकी कितनी लेंथ है, उसकी क्या चीज़ है, उसकी क्या विड्थ है, वो स्टोर होती है। अगर मैं उसको इनलार्ज भी करता हूँ ना तो वो एक तरीके से इंस्ट्रक्शन इसमें ऑलरेडी मौजूद है, तो अब वही इमेज को वो इनलार्ज करके फिर से क्रिएट होती है। सही है, ये बेसिक डिफरेंस है आप लोगों का बिट मैप इमेजेस और वेक्टर ग्राफिक्स में। फिर से सुना रहा हूँ, फिर से सुन लो सब। बिट मैप इमेजेस क्या है, पिक्सल से बनेंगी, पिक्सल्स को कंबाइन करेंगे। पिक्सल क्या होता है, एक बहुत छोटा सा पिक्चर एलिमेंट है, बहुत सबसे स्मॉलेस्ट पिक्चर एलिमेंट है, उसका एक कलर होता है, एक डॉट समझ लो, उसका एक कलर होता है। जैसे छोटे 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 डॉट से बन के आप लोगों की एक इमेजेस क्रिएट होती हैं, ये हो गए बिट मैप। वेक्टर्स क्या होते हैं, ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट्स, शेप्स और इंस्ट्रक्शंस को मिला के हम लोग एक वेक्टर ग्राफिक्स बनाते हैं। यहाँ तक बेसिक कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है, बिट मैप और वेक्टर के अंदर इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्रिएशन के लिए बनती हैं, लेकिन उसी फाइल के अंदर स्टोर होती हैं। इंस्ट्रक्शन से मतलब ये नहीं है कि ये इतना सा हमने एक्सटेंड किया है, ये करना है फिर वो करना है, स्टेप्स की बात नहीं हो रही। इंस्ट्रक्शन हैं कि कितनी लेंथ है, कितनी विड्थ है, और फिर उसके अंदर कौन सा डाटा है, फिर कहाँ पर डाटा है। जैसे एक ग्रीन बॉक्स के अंदर है, रेड बॉक्स के अंदर, तो ये सारी इंस्ट्रक्शन स्टोर हुई होती हैं। अगर मैं इसको इनलार्ज भी कर रहा हूँ ना तो ये इनलार्ज ऐसे नहीं होती, ये एक तरीके से इनलार्ज ऐसे होती है कि यहाँ से हटती है और उसको फिर से रिक्रिएट किया जाता है बड़े साइज में। ऑब्जेक्ट्स का मतलब भी शेप है, डिपेंड कर सकता है जो भी आपको वेक्टर ग्राफिक्स अलाउ करता है। चलो वापस आते हैं, चलो जल्दी से चैट पे जवाब। डिफरेंस ऑफ व्यूज हम लोग बता रहे हैं अभी, आगे हम मोइज इसको आगे बहुत डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करना है बिटमैप और वेक्टर को।
अभी सब बेसिक हम लोगों ने क्लियर की है अपनी, ये बिटमैप इमेजेस क्या होती हैं, पिक्सल से बनती हैं, वेक्टर ग्राफिक्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट शेप्स और इंस्ट्रक्शन से बनाए जाते हैं। वेक्टर पे तुम लोग और फोकस करो, क्योंकि बिटमैप तो कॉमन चीज़, इतना तो तुम लोगों को पता ही होता है। वेक्टर में क्या होता है कि बस इस पर फोकस रखना है और इसी को चीज़ों को आगे लेके चलना है। चलो अब मैं थोड़ा सा इसको लिखवा देता हूँ ताकि तुम लोग को थोड़ा बहुत ओवरऑल आइडिया हो जाए कि वेक्टर ग्राफिक्स क्या है और बिटमैप इमेजेस क्या है। बेसिक लिख लो बस इसको, हम लोगों ने सारा डिस्कस तो कर लिया ऊपर, बस लिख लो वेक्टर ग्राफिक्स होते क्या है, इमेजेस मेड। अगर वो आपसे पूछें कि वेक्टर ग्राफिक्स को एक्सप्लेन करो तो लिखना है इमेजेस मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स the properties of each object, the properties of each object, of each object determine determine its shape and appearance. ये हो गया जी आपका वेक्टर ग्राफिक्स, यही हम लोगों ने डिस्कस किया अभी ऊपर। अब लिख लेते हैं बिट मैप इमेजेस के बारे में भी। अच्छा बिट मैप इमेजेस करते हैं अब। ओके जी बिटमैप इमेजेस, इमेजेस बहुत आसान है, इमेजेस व्हिच आर स्टोर्ड इमेजेस स्टोर्ड एज एन एरे ऑफ इंडिविजुअल पिक्सल्स। इंडिविजुअल पिक्सल, अलग लिखो सब जल्दी ताकि आगे बढ़े। जल्दी जल्दी लिखना है, नोट्स भी मिल जाएंगे आप लोगों को। अच्छा एरे क्या होता है भाई, कैसे समझाऊं, हाँ डेफिनेशन आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती, आई भी है पास्ट में। चलो सुनो, एरे एज एन एरे ऑफ इंडिविजुअल पिक्सल, एरे मतलब एक ग्रुप, जैसे ये हम लोगों ने एक एरे बनाया हुआ है, सारा डाटा एक कंटेनर के अंदर एक बॉक्स के अंदर स्टोर हुआ है। जैसे आप लोगों ने अगर ओ लेवल्स वाले हो तो ओ लेवल्स में भी आप लोगों ने एरे पढ़ा होगा, इसके अंदर हम लोग इंडिविजुअल टर्म्स स्टोर करते हैं। यहाँ पे एक टर्म होती है, फिर यहाँ पे एक टर्म होती है, फिर यहाँ पे एक टर्म होती है, फिर यहाँ पे एक टर्म होती है, और इसको हम ग्रुप करके हम लोग इसको कहते हैं एरे। समझ आई? तो बिल्कुल इस सिनेरियो में ही हम लोग इसको एरे का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब आपके जो पिक्सल्स हैं हम उनको इन फॉर्म ऑफ एन एरे स्टोर कर रहे होते हैं, ताकि जब वो एक ग्रुप की फॉर्म में होते हैं तो फिर एक इमेज की शक्ल में आ जाते हैं। सही? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सीन ये है कि अब आपने क्या करना है, बिटमैप इमेजेस अलग से याद करनी है, मतलब बहुत डिटेल में डिस्कस करना है, हर एक टर्म के बारे में पता होना चाहिए, बिटमैप इमेजेस की कन्वर्जन कैसे होती है डिजिटल फॉर्मेट में, फाइल साइज क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करनी है। वेक्टर ग्राफिक्स को फिर अलग से डिस्कस करना है। सही? सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं बिटमैप।
बिटमैप में होता क्या है कि आप लोगों को कुछ टर्म्स होती हैं जो कि याद करनी है, हर एक टर्म का मतलब आप लोगों को डिस्कस करना है। अच्छा, अब हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग एक एक टर्म को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। सही है, हर एक एक टर्म को बहुत डिटेल में डिस्कस करना है ताकि जब भी आप लोग याद करने बैठे हो उसमें आप लोग रट्टा मत मारना, हर चीज़ आप लोगों को समझ आनी चाहिए। रट्टा क्या होता है भाई, पहले सुन लो, रट्टा है ये बगैर कुछ समझे आप लोग उसको बस याद कर रहे हो बैठे हुए। तो हम लोग हर एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल में याद करने की कोशिश करेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे होता क्या है और फिर उसको याद करेंगे। सही है, ताकि जब अगर आप लोग नोट्स रिवाइज भी करते हो तो आप लोगों को बस एक दफ़ा पढ़ना पड़े ज़्यादा से ज़्यादा। सही है, तो पहली टर्म है पिक्सल। पिक्सल क्या होता है भाई, स्मॉलेस्ट पिक्चर एलिमेंट। हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था पिक्सल होता क्या है बहुत डिटेल में, कि हर एक पिक्सल जो होता है वो एक बेसिकली डॉट है। अब उस डॉट का कलर होता है, हर एक डॉट का अपना कलर है। जैसा फॉर एग्जाम्पल, इस पर्टिकुलर पिक्सल का कलर है वाइट, इस पर्टिकुलर पिक्सल का कलर है ग्रीन। इससे और कोई स्मॉलेस्ट आपके पिक्चर एलिमेंट नहीं होता, सबसे स्मॉलेस्ट पिक्चर एलिमेंट आप लोगों का पिक्सल ही है। सही है, तो आप लोग अगर वो आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज पिक्सल और पूछ चुका है पास पेपर में, तो आप लोग बोलोगे भाई स्मॉलेस्ट पिक्चर एलिमेंट। अगर इसको लिंक करना तो इस इमेज से आप लोग लिंक कर सकते हैं। सही है, अब बात करते हैं सेकेंड टर्म की। सेकेंड टर्म है आप लोगों की इमेज रेजोल्यूशन। अच्छा जी, अब ये इमेज रेजोल्यूशन क्या है, चलो लेट्स सी। अच्छा, इमेज रेजोल्यूशन बेसिकली होती क्या है, अगर मैं तुम लोगों को बेसिक बताऊं कि अमाउंट ऑफ पिक्सल्स, कि आपकी कितने पिक्सल्स हैं पर इंच। सही है, पिक्सल्स पर इंच। अगर इस सिनेरियो में बात करूं मैं, अगर तुम लोग इसको फोकस करो कि कितने पिक्सल्स हैं इसमें, 1 इंच के अंदर कितने पिक्सल आ रहे हैं, 2 पिक्सल्स आ रहे हैं, तो आप इसका क्या लिखोगे, इमेज रेजोल्यूशन। आप लिख लो इमेज, इमेज रेजोल्यूशन इज इक्वल्स टू 2 PPI। अब ये PPI क्या है, यहाँ पे लिख लो अगर फुल फॉर्म लिखना है, इसलिए अभी तो याद रहेगा लेकिन बाद में भूल सकते हो, तो जब रिवाइज करने बैठो तो हर चीज़ होनी चाहिए आपके नोट्स में, 2 पिक्सल्स पर इंच। सही है, तो अगर हम इमेज रेजोल्यूशन की बात करें, कोई भी इमेज के 1 इंच में कितने पिक्सल्स आते हैं वो उसको हम लोग इमेज रेजोल्यूशन कहते हैं। फिर सुन लो गौर से, एक इमेज में 1 इंच में कितने पिक्सल्स आते हैं उसको हम लोग इमेज रेजोल्यूशन कहते हैं। इमेज रेजोल्यूशन इज इक्वल टू 2 PPI। जब भी इसको लिंक करना हो, याद करना हो, इस इमेज को दिमाग में रखना, इस 1 इंच को दिमाग में रखना और PPI को दिमाग में रखना, खुद याद हो जाएगा ये। सही है, अब इसको हम लोग कॉन्टेंट को लिख लेते हैं कि अगर वो आपसे पूछता भी है कि इमेज रेजोल्यूशन का आप डिस्क्राइब करो तो आप कैसे करोगे, वो लिख लो जल्दी से सब। मेजर्ड इन पिक्सल्स पर इंच, दिस वैल्यू डिटरमाइंस, दिस वैल्यू डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ डिटेल, द अमाउंट ऑफ डिटेल An image has, अच्छा अब एक चीज और सुनो, देखो जितने ज्यादा 1 इंच के अंदर पिक्सल्स होंगे, जितनी मतलब इमेज सेकेंड प्लीज, ओके ओके नो प्रॉब्लम, चलो मैं भेज दूंगा। चलो अब गौर से सुनो सब, इमेज रेजोल्यूशन में क्या होता है कि जितने ज्यादा आपके पिक्सल्स 1 इंच के अंदर आएंगे, फॉर एग्जाम्पल एक इमेज है आप लोगों की 2 PPI पे, मतलब 2 पिक्सल्स पर इंच। अब अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूँ अराउंड 200 पिक्सल्स पर इंच, तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों की जो वैल्यू है, मतलब आप लोगों की जो इमेज है वो और ज़्यादा हाई क्वालिटी इमेज हो जाएगी। सही है, तो आप लोगों को जितना हाई क्वालिटी इमेज चाहिए होती है आप उतनी इमेज रेजोल्यूशन को अपनी इंक्रीज करते हो। तो आप लोगों को अगर जो स्क्रीन पे इमेज क्वालिटी दिखती है वो अराउंड 72 PPI दिखती है, मतलब 72 पिक्सल्स पर इंच आप लोगों के शो हो रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सही, तो
इमेज रेजोल्यूशन आप जितना इंक्रीज करोगे उतने ज़्यादा पिक्सल्स आप लोगों के 1 इंच के अंदर आएंगे, जिससे आप लोगों की इमेज की जो क्वालिटी है वो आप लोगों की इंक्रीज हो जाएगी। सही, अब इसको लिख लेते हैं जल्दी से। HIGHER हायर इमेज रेजोल्यूशन। हाँ ये फिर बाद में मसला होगा। रेजोल्यूशन नेटवर्क्स मींस दैट देर आर मोर पिक्सल्स, देर आर मोर पिक्सल्स पर इंच पर इंच, रिजल्टिंग इन मोर पिक्सल इंफॉर्मेशन पिक्सल इंफॉर्मेशन एंड क्रिएटिंग हाई क्वालिटी इमेजेस। चलो जी यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? चलो एक ओवरऑल डिस्कस करते हैं। ये पिक्सल की वैल्यूज हैं अब्दुल मोइस, ये हम लोग आगे डिस्कस करें अभी, ये स्क्रीन रेजोल्यूशन में आएगा तुम लोग, रुक जाओ आगे करते हैं। चलो एक ओवरऑल सब देख लो। हम लोगों ने अब तक डिस्कस किया बिट मैप क्या होते हैं, वेक्टर क्या होते हैं। बिट मैप इमेजेस वो होती हैं कि भाई आप लोगों की जो पिक्सल से क्रिएट होती हैं। वेक्टर इमेजेस क्या होती हैं कि आप लोगों के ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स की जो शेप्स हैं इंस्ट्रक्शन इन सबको मिला के ही आप वेक्टर ग्राफिक्स बनाते हो। सही है, हम लोगों ने इनकी डेफिनेशन डिस्कस कर ली थी। अब बिट मैप में क्या होता है कि बिट मैप में कुछ टर्म्स जो होती हैं वो आप लोगों को याद करनी होती हैं, उसमें से एक टर्म ये होती है। अच्छा, इसका मतलब याद करने का मतलब फिर बोल रहा हूँ कि रटना नहीं है, हर एक चीज़ को समझो ताकि इनको लिंक कर सको अपने रियल लाइफ में भी। सही है, ये सब नॉलेज आप लोगों के एग्जाम के लिए नहीं होती, ये आप लोगों की लिंक करने के लिए भी नॉलेज होती है। सही है, अब चलो बिट मैप में क्या है, कुछ टर्म्स होती हैं जैसे कि पिक्सल। पिक्सल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पिक्चर एलिमेंट, हम लोगों ने देख लिया था हर एक एक डॉट का आप पिक्सल कहते हो, उससे ज्यादा कोई छोटी चीज आप लोगों की होती नहीं है। अब अगर मैं बात करूँ इमेज रेजोल्यूशन, इमेज रेजोल्यूशन क्या होती है कि एक इमेज की 1 इंच में कितने पिक्सल आते हैं उसको मैं कहता हूँ इमेज रेजोल्यूशन। सही, फॉर एग्जाम्पल इस सिनेरियो में अगर मैं बात करूं तो इमेज रेजोल्यूशन जो है ये मैंने एक आप लोगों को एक रेफरेंस पॉइंट दिया हुआ है कि ये 1 इंच है, तो इमेज रेजोल्यूशन क्या होगी, 2 PPI, 2 पिक्सल्स पर इंच। सही, हमने डिटेल सारी इसकी डिस्कस कर ली। डिस्कस करने के बाद हम लोग ने कहा कि भाई अगर जितनी ज़्यादा आप लोगों की इमेज रेजोल्यूशन होगी उतनी ज़्यादा आपकी इमेज जो है वो हाई क्वालिटी की होगी। यहाँ तक किसी का कोई मसला है तो जल्दी बता दो वरना मैं फिर से रिपीट कर दूँ। ओके जी, नो मसला, देखते हैं। चलो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टर्म। सेकंड टर्म इज स्क्रीन रेजोल्यूशन। ओके बाबा, ओके। अच्छा जी, अब आप लोगों की थर्ड टर्म है, यस थर्ड टर्म है आप लोगों की स्क्रीन रेजोल्यूशन। अब ये स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या होती है इसको डिस्कस करते हैं। ओके भाई, कॉपी एंड पेस्ट, हियर यू गो, वेट अ मिनट, यस दिस वर्क्स। Let me arrange that for you guys. एक सेकेंड भैया, सेंड ब्रिंग टू फ्रंट, यस दैट वर्क्स। चलो इतनी हो गया। ओके जी, चलो अब बात करते हैं स्क्रीन रेजोल्यूशन पे। स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या होती है, जो भी आपकी स्क्रीन होती है मतलब
जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब एक लैपटॉप की स्क्रीन है या आपका अपना थोड़े और शश के आ गए और पैसा है जरा बाप का ना, तो आप लोगों ने कोई कर्व्ड एलईडी ले लिया, कोई भी आपने ऐसी चीज ले ली है, गेमिंग मॉनिटर है, या कोई आपके पास ट्रिपल स्क्रीन का सेटअप है, कोई भी आपका मॉनिटर है, कोई भी चीज है आपके पास, उस पर्टिकुलर स्क्रीन की बात हो रही है। स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या आती है, उस पर्टिकुलर स्क्रीन जो आप इस्तेमाल करते हो उसमें कितने पिक्सल्स शो होते हैं, अमाउंट ऑफ पिक्सल्स। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर, जैसे मेरे पास ये टीवी है, इसके अंदर मैं बहुत गौर से देखूँ ना, तो मुझे इसके अंदर पिक्सल्स दिखते हैं। कौन कौन से पिक्सल्स दिखते हैं, मुझे तीन टाइप ऑफ पिक्सल्स दिखते हैं। कौन कौन से, एक रेड, एक ग्रीन और एक ब्लू। सही, इन तीन पिक्सल्स की कॉम्बिनेशन से जितने कलर्स मेरे पास आते हैं स्क्रीन के ऊपर, वो सिर्फ इन तीन के कॉम्बिनेशन से आते हैं। अभी मैं इनको आगे डिस्कस करूंगा, ये कई कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। कि अगर मुझे जैसे सिर्फ ब्लैक कलर चाहिए, जो भी जैसे इस सिनेरियो में मेरे पास ये स्क्रीन ब्लैक है, तो अब स्क्रीन ब्लैक कलर कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, कि मेरा रेड कलर जो है वो भी जीरो हुआ हुआ है, ब्लू कलर है वो भी जीरो हुआ हुआ है, ग्रीन जो है वो भी, RGB तीनों जीरो हुए हैं, तो मेरे पास एक ब्लैक कलर फॉर्म हो रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल इस सिनेरियो में यहाँ पर अगर फोकस करो तो यहाँ पे व्हाइट कलर भी दिख रहा है, तब यहाँ के जो पिक्सल है ना, इनके जो रेड ग्रीन ब्लू वाली वैल्यूज हैं, वो सब क्या हुई हुई है, 1 1 1। सही है, बिल्कुल तुम लोगों को क्लोजेस्ट सिनेरियो बता रहा हूँ, कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये प्योर व्हाइट कलर है और ये प्योर ब्लैक कलर है, तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ ये। सही, अगर ये शेड ऑफ व्हाइट है तो इसका कलर थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन इस सिनेरियो में टोटल पिक्सल्स कितने हैं, वन। टोटल पिक्सल्स के अंदर हम लोगों के पास व्हाइट कलर आ रहा है, तो व्हाइट कलर के क्या होगा, तीन पिक्सल्स हैं, रेड ग्रीन ब्लू। अगर मैं अपनी स्क्रीन को बहुत गौर से देखता हूँ तो मुझे इसमें छोटे छोटे बॉक्सेस दिखते हैं, और छोटे छोटे बॉक्सेस में तीन कलर दिखते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। सही, जिनके कॉम्बिनेशन से आप लोगों के ये सारे कलर जो कि स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो फॉर्म हो रही हैं। ये भी पॉसिबल है कि अगर जो कलर्स मुझे दिख रहे हो वो कलर्स आपको नहीं दिखें। सही है, ये भी पॉसिबल सिनेरियो है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्क्रीन रेजोल्यूशन की। स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या होती है, स्क्रीन रेजोल्यूशन ये होती है भाई आप लोगों की, कि विड्थ में आप लोग पिक्सल्स मेजर करते हो और हाइट में पिक्सल्स मेजर करते हो, और उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हो। सही, उससे आपको पता क्या चलता है कि आपकी स्क्रीन पे कितने पिक्सल्स मौजूद हैं। जैसे ये छोटे 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 डॉट हैं, तो ये समथिंग अराउंड इतने पिक्सल्स आप लोगों के बनेंगे। इस पर्टिकुलर सिनेरियो को हम लोग कहते हैं स्क्रीन रेजोल्यूशन। यानी आप एग्जाम्पल लिख के दिए कि स्क्रीन रेजोल्यूशन को कैसे लिखते हैं, 1920x1080। हर इमेज की, हर स्क्रीन की स्क्रीन रेजोल्यूशन डिफरेंट होती है। सही है, जैसे एक मेरे पास मॉनिटर है जो कि लैपटॉप का मॉनिटर है, उसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन डिफरेंट है, इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन डिफरेंट है, जो कि मैं जिस पे नोट्स लिख रहा हूँ। सही है, कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? नहीं, 1080p डिफरेंट चीज है। सही है, हाँ, जो तुम 1080 की, 1080p की बात कर रहे हो वो यही है, पिक्सल्स की बात हो रही है, लेकिन वो आप लोगों की वीडियो की टर्म है। चलो जी, लिख लो इसको जल्दी से, पिक्सल्स की ही बात हो रही है, वो जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी अच्छी क्वालिटी होगी। चलो भाई, नंबर ऑफ पिक्सल्स विच कैन बी व्यूड, पिक्सल स्क्वायर शेप भी होता है, बिल्कुल ऐसे ही अब्दुल, स्क्वायर शेप ही होता है। नंबर ऑफ पिक्सल्स विच कैन बी व्यूड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली ऑन द स्क्रीन। अच्छा, कोई बताएगा अगर मुझे, शाबाश साहब, क्यों सिर्फ स्क्वेयर क्यों होते हैं, डिफरेंट वो क्यों नहीं होते हैं शेप्स? सोचो इसका फिक्स आंसर, मुझे भी नहीं पता, लेकिन सिर्फ सोचो, थोड़ा दिमाग लगा ले, कॉमन सेंस की बात कर लो। और मैंने भी नहीं कहीं पढ़ा हुआ कि स्क्वेयर क्यों होते हैं। नहीं, क्या सिनेरियो हो सकता है, मुझे भी मतलब ऐसे मैंने इसको वो नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन कॉमन सेंस अगर बात करें तो फिर क्या होगा इसके, स्क्वेयर क्यों होते हैं? चलो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, मेरे ख्याल से ही हो सकता है। अभी भी दिमाग में आया, ये क्या बात है भाई।
नहीं जरूरी नहीं है, लेंथ इक्वल होनी चाहिए, मेरा नहीं खाली ये वजह होगी। चलो मैं बताता हूँ, जो मुझे समझ आ रहा है ना वो ये वजह होनी चाहिए, बाद में इसको सर्च करके मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल मोहम्मद साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। चलो जी, अगर हम बात करें स्क्वेयर्स में, तो स्क्वेयर में कोई जगह नहीं बच रही आप लोगों की एम्प्टी। अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो ये जो अगर ये सर्कल पिक्सल्स हैं, तो आप लोगों का हो क्या रहा है कि अगर बात करें ये जगह की, तो ये जगह आप लोगों की एम्प्टी है। कोई भी शेप की बात करो, तो ये जगह एम्प्टी है, ये जगह एम्प्टी है, ये जगह एम्प्टी है, ये जगह एम्प्टी है, तो आई गेस इसीलिए सर्कल नहीं होते। और अगर स्क्वायर में देखो तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। समझ आई मोहित साहब? किसने पूछा था? मोहित साहब, यस। चलो जी आगे बढ़े। नंबर ऑफ पिक्सल्स विच कैन बी व्यूड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली ऑन द स्क्रीन इज नोन एज स्क्रीन रेजोल्यूशन। चलो जी जल्दी लिख लो उसको अपने पास सब। स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या होती है पूछ सकते हैं भाई, फिर बोल रहा हूँ, लिखो अपने पास। है ना? मैंने भी अभी भी फिगर आउट किया। चलो सर्च करते हैं उसको, तुम लोग लिखो, मैं सर्च कर रहा हूँ। Why pixels are not circle? Pixels are commonly square because squares fit together without leaving gaps. देखा बेटा, have sides of equal length and can be mapped to a grid with two axes, horizontal and vertical. If pixels were circle, then there would be gaps when surrounded by neighboring circles. Not ideal for creating smooth images on a screen. बेटा हल्का मत लिया करो। वैसे ज्यादा पिक्सल ज्यादा होने से डिटेल कैसे इंक्रीज होती है इमेज की? डिटेल कैसे? चलो मैं बताता हूँ, मैं इमेजेस कंपेयर करके दिखा देता हूँ। वेट अ मिनट, लेट्स सी। पहले यहाँ तक लिख लो तुम लोग, मैं तुम लोग को अब्दुल मजीद देख कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो जी यहाँ पे देखो, कहाँ पे डाल दूँ? यहाँ पे डाल देता हूँ। चलो भाई, अच्छा अब सवाल ये आया है हमारे पास कि सर पिक्सल बढ़ाने से, ऐसे ही है ना, ज़्यादा पिक्सल होने से डिटेल कैसे इंक्रीज होती है इमेज की? चलो जी ये सवाल है, लेट्स सी। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। Insert picture from file, desktop, menu, copy and paste. चलो जी इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कोई कंटेंट लिखा आ रहा है लेकिन वो दिख नहीं रहा, नो प्रॉब्लम। चलो अब इस पे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो आप लोगों की लेफ्ट वाली इमेज है, ये वाली इमेज जो है, इसका क्या सीन है? इसमें है आप लोगों का 10 PPI। हाँ बिल्कुल, बिटमैप इमेजेस है ऑफ कोर्स भाई, स्क्वेयर्स पिक्सल्स बिटमैप इमेजेस 10 PPI। और राइट वाली इमेज जो है वो आप लोगों की 20 PPI।
मतलब क्या हुआ कि आपने इसके पिक्सल्स इंक्रीज कर दिए हैं, सही है। राइट वाली इमेज में आप लोगों के पास और ज्यादा पिक्सल्स हैं। अब इस सिनेरियो में देखो तो आप लोगों का राइट वाला शेप जो है वो सर्कल जो है वो थोड़ा और ज्यादा स्मूदर है रादर देन 10 PPI है। मुझे सब अब क्लियर हुआ थोड़ा बहुत देखने के बाद, सही है। तो ये आप लोगों के पास राइट वाली एग्जाम्पल जो है वो 20 PPI है और लेफ्ट वाली जो है वो 10 PPI है। चलो आगे बढ़े। स्क्रीन रेजोल्यूशन हो गई, इमेज रेजोल्यूशन हो गई। अब इसके बाद आप लोगों की टर्म है, लेट्स सी व्हिच टर्म डू यू हैव। अच्छा, इसके बाद मजेदार है। अब है आप लोगों के पास कलर डेप्थ स्लैश बिट डेप्थ। देखो आप लोगों की जो इमेज होती है, स्क्रीन रेजोल्यूशन जो होती है ना, वो आप लोगों की बिट मैप के लिए ही है। मतलब आप लोग की उसके में भी पिक्सल इस्तेमाल हो रहे हैं, स्क्रीन रेजोल्यूशन में भी आपके पिक्सल इस्तेमाल हो रहे हैं। मतलब जब वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं वो तो पिक्सल्स नहीं होते, अब वो कैसे रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं? तब होता क्या है कि आपके जो वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं वो भी एक तरीके से एक प्रोसेस से गुजरते हैं, रेस्टराइजेशन से, और वो पिक्सल्स में ही कन्वर्ट होते हैं एट द एंड, लेकिन इनलार्ज होने के बाद, सही है। अब जब आपकी एक इमेज रेस्टराइज हो गई तो वो बिट मैप इमेज में कन्वर्ट हो गई थी। अब उस रेस्टराइज इमेज को अगर आप कन्वर्ट करोगे, इनलार्ज करोगे, तो इसमें फिर वही प्रॉब्लम आएगी ब्लर होने की। लेकिन अगर वेक्टर ग्राफिक्स को एनलार्ज करने के बाद फिर उसको रेस्टराइज करो, वो बेस्ट रहता है ऑप्शन। हाँ, वो अभी हम डिस्कस करते हैं आगे, लेकिन ये सवाल अभी आ गया था तो इसीलिए। ज्योमेट्रिक शेप्स, चलो मोहम्मद एक चीज और क्लियर कर लो अपनी, कि ज्योमेट्रिक शेप्स से ये मतलब नहीं है आपका, ज्योमेट्रिक शेप्स की कॉम्बिनेशन को और उसकी इंस्ट्रक्शंस को, भाई उसकी विड्थ कितनी है, लेंथ कितनी है, उन सब चीजों को जब हम स्टोर करके एक इमेज क्रिएट करते हैं वो वेक्टर ग्राफिक्स कहलाते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं सिवाय स्क्वायर के। हर एक स्क्वायर का एक अपना कलर है। जैसे इस सिनेरियो में देखो कि हम लोगों ने सिर्फ बाकी सारे व्हाइट रखे हुए, दो ब्लू कर दिया, तो थोड़ा बहुत इससे एक इमेज क्रिएट हो रही है विच इज अ सर्कल। ठीक है मोहम्मद साहब, क्लियर है आपको? आगे बढ़े हम, इजाजत है अगर आपकी। ओके जी, अंडी स्टूड हो गया जी, क्लियर हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। एंड देन वी हैव द टर्म कलर डेप्थ स्लैश बिट डेप्थ। लेट्स डू दैट रियल क्विक। अच्छा, मजेदार चैप्टर है। टेंशन नहीं भाई, टेंशन नहीं, समझ आ गई, समझ आ गई। कलर डेप्थ स्लैश बिट डेप्थ। अच्छा, अब ये कलर डेप्थ क्या है, बिट डेप्थ क्या है, बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। रट्टा नहीं मारना, रट्टा नहीं मारना बाबा, इसको समझना है। कलर डेप्थ क्या होती है, बिट डेप्थ क्या होती है, समझना है। बेसिक डेफिनेशन देखो, नंबर ऑफ बिट्स एलोकेटेड टू रिप्रेजेंट ईच पिक्सल। मतलब हर एक पिक्सल को, जैसे फॉर एग्जांपल इस सिनेरियो में एक पिक्सल है, तो मैं इसको कितनी बिट्स अलाउ कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर कलर को स्टोर करने के लिए। फिर गौर से सुनो, नंबर ऑफ बिट्स एलोकेटेड मतलब कितने बिट्स मैं दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल चलो बिट्स की बात करें, तो हेयर यू गो, बिट्स हमारे पास क्या होती है, स्मॉलेस्ट मेमोरी। ऐसे ही बिट्स को कंबाइन करके हम लोग एक बाइट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस सिनेरियो में मैंने इसको एलोकेट कर दिया एक पिक्सल को, कि आप सिर्फ और सिर्फ एक बिट ले सकते हो अपनी पिक्सल की वैल्यू को स्टोर करने के लिए, सही है। इसको कहते हैं वन बिट डेप्थ, सही है। अब अगर मैं इसको अलाउ कर दूं कि भाई आप दो कलर, दो बिट्स इस्तेमाल कर सकते हो एक पर्टिकुलर पिक्सल की वैल्यू को, पिक्सल के कलर को स्टोर करने के लिए, सही है, तो उसको क्या कहेंगे, बिट डेप्थ ऑफ 2। अब अगर मैं उसको 3 अलाउ कर दूं तो मैं क्या कहूंगा, बिट डेप्थ ऑफ 3, कलर डेप्थ ऑफ 3। अब अगर मैं उसको 8 पूरी बिट्स उसको अलाउ कर दूं कि भाई 8 बिट्स आपको अलाउ हैं पिक्सल के कलर को स्टोर करने के लिए, तो उससे होगा क्या कि आपकी कलर डेप्थ क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, सही है। अब इससे फर्क क्या पड़ता है, सही है, मेन चीज क्या है कि हम लोग का इसका काम क्या है। इसको समझने के लिए हम एक इमेज को देखते हैं। हियर यू गो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। चलो जी, अब ये ग्रे स्केल के ऊपर बात करूं, अभी मैं आरजीबी पे मैं बाद में आता हूँ, सही है। अभी सिर्फ ग्रे स्केल पे बात करें, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, सही है। अब अगर मैं उसको सिर्फ एलोकेट करता हूँ एक पिक्सल को कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ 1 बिट इस्तेमाल कर सकते हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ 2 कलर्स स्टोर कर सकते हो। इधर 0 पे 1 कलर स्टोर हो सकता है, या तो 1 पे 1 कलर स्टोर हो सकता है, इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, इधर ब्लैक और व्हाइट, बस इसके अलावा कोई और ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ 2 कलर्स हैं आपके पास, 1 बिट का मतलब है सिर्फ और सिर्फ 2 कलर आप लोगों के रिप्रेजेंट हो सकते हैं। अब गौर से सुनना,
होता क्या है, ये बेसिकली स्टोर हो रहते हैं 2 रेज टू द पावर में। अगर तुम लोगों को कलर फाइंड करना है, ये 1 बिट जो है ना, ये कलर डेप्थ है, 1 बिट इज दी कलर डेप्थ, ये बिट डेप्थ। तो इसके अंदर कितने कलर्स, अगर आपको आइडेंटिफाई करने के कितने कलर्स इसके अंदर रिप्रेजेंट हो सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 1, 2 रेज टू द पावर 1 इज 2, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 कलर इसमें रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। चलो अब मैंने उसको एलोकेट कर दिया कि भाई 2 बिट्स आप इस्तेमाल कर सकते हो पिक्सल के कलर्स को स्टोर करने के लिए। तो मेरे पास नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बढ़ जाएंगे, मेरे पास और ज्यादा एक्यूरेट इमेज आने शुरू हो जाएगी, मेरे पास जितने भी कॉम्बिनेशंस है वो इंक्रीज हो जाएंगे। मतलब 0 0 पे फुल ब्लैक है, 0 1 पे एक थोड़ा सा डार्कर ग्रे कलर है, फिर 1 0 पे उसका लाइट शेड है, फिर उसके बाद 1 1 पे मेरे पास वाइट कलर है। तो मेरे पास ऑप्शंस इंक्रीज हो गए, आपकी क्वालिटी इमेज की और ज्यादा इंक्रीज हो गई। मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे लाइट ग्रे इस्तेमाल करना था रादर देन वाइट, तो अब मैं लाइट ग्रे कलर को इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास अब उसके ऑप्शन है, उसका एक कॉम्बिनेशन है, और मेरे पास बिट डेप्थ जो है वो 2 बिट्स है। अब अगर मैं इसका फाइंड आउट करना चाहूँ कि इसमें कितने कलर्स रिप्रेजेंट हो सकते हैं, अगर मैं तुम लोग को सिर्फ ये बोलूँ कि 2 बिट डेप्थ है आप लोगों के पास, सर 1 बिट पर तो 2 रेज़ पावर नहीं होता, नहीं 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 2 रेज़ पावर 0 नहीं होता है। मैं ये ऑप्शन, ये कुछ और चीज़ है मोहेश भाई, ये इसकी बात नहीं हो रही, इसकी बात नहीं हो रही, कॉन्सेप्ट मिक्स मत करो, सही है, ये डिफरेंट चीज़ है। ये सब फाइंड आउट करने के लिए कि कितने कलर्स आप स्टोर कर सकते हो, सही है, 1 बिट डेप्थ पे 2 रेज़ पावर 1, बिल्कुल भाई बिल्कुल ऐसे ही है, 0 1 पे, 0 पे ब्लैक, 1 पे वाइट। वेट अ मिनट, ओके दैट वर्क्स। अच्छा जी, अब बात करते हैं 2 बिट्स पे। 2 बिट्स पे होता क्या कि आपके पास कॉम्बिनेशन आ गए। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये 2 रेज़ टू द पावर 2 हो गया। अच्छा अब तो कितने कॉम्बिनेशन आ गए, 2 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब कहते हैं 4 कलर्स आप इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो, सही। तो अब अगर मैं बात करूँ बिट डेप्थ क्या होता है, तो ये 2 जो है ये आप लोगों का बिट डेप्थ है, सही है। अब 3 बिट्स की बात करते हैं तो 2 रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। तो 8 कॉम्बिनेशन आ गए, जितना मैंने बिट डेप्थ इनक्रीज किया मेरे पास और ज्यादा इसके अंदर शेड जाते जाए। मतलब 0 0 पे वही रहेगा, 1 1 1 पे वही रहेगा, लेकिन बाकी उसके बीच में और ज्यादा उसके शेड्स आ जाएंगे, डिफरेंट कलर्स नहीं आ रहे उनके दोनों में, आपस में शेड्स आ रहे हैं, सही है। इसमें हम लोग सिर्फ से ब्लैक एंड व्हाइट की बात करें तो ये ब्लैक एंड व्हाइट के शेड्स हैं। अब अगर इसमें मैं रेड ग्रीन ब्लू की बात करूंगा तो रेड ग्रीन ब्लू के शेड्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अब मैं 8 बिट्स पे बात करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 8 हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 8। अब जो भी आता है 2 रेज़ टू द पावर 8 वो आप लोगों के 256 कलर्स जो हैं वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, उसके शेड्स आ जाएंगे। बात क्लियर है सबको, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ आया बिट डेप्थ का, बेहतरीन बेहतरीन। अब आरजीबी की बात करते हैं, आरजीबी में क्या होता है, आरजीबी में बेसिकली आप लोगों के पास 3 कलर्स हैं, एक रेड, एक ग्रीन, एक ब्लू। मोस्ट कॉमनली ये यूज होते हैं, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन भी होती हैं लेकिन मोस्ट कॉमनली ये यूज होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, इन्हीं से सारे कलर्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 8 कलर्स हैं, इन ये बनते हैं, फिर इनके इस्तेमाल से इनके मिक्स करने के बाद और अलग 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 शेड्स बनते हैं, लेकिन वो डिपेंड कर होता है आप लोगों की बिट डेप्थ पे। फॉर एग्जाम्पल इस सिनेरियो में से सर तो सेट नंबर लगेगा, बता रहा हूँ। चलो अब अगर मैं बोलूँ आरजीबी 1 बिट सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हो, बिट डेप्थ आपकी 1 है, तो इस सिनेरियो में ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की रेड की जो रिप्रेजेंटेशन है वो प्योर रेड की होगी, रेड के कोई और शेड नहीं होगा। ग्रीन की रिप्रेजेंटेशन देखो, हर एक कलर की या तो वैल्यू 1 होगी या तो 0 होगी, सही है, हर एक एक कलर की या तो रेड की वैल्यू 1 होगी या 0 होगी, इसके अलावा कोई नहीं हो सकती। ग्रीन की वैल्यू या तो 1 होगी या तो 0 होगी, या ब्लू की वैल्यू या तो 1 होगी या तो 0 होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल तीनों ऑफ है, रेड भी ऑफ है, ग्रीन भी ऑफ है, ब्लू भी ऑफ है, तो आपके पास कलर क्या आएगा, ब्लैक आएगा। अब अगर मैं बात करूं आपकी रेड 1 है, बाकी ग्रीन है, फिर ब्लू है, तो आपके पास कलर क्या आएगा, रेड आएगा। और सिर्फ ग्रीन ऑन है तो फिर सिर्फ प्योर ग्रीन आएगा, प्योर ब्लू आएगा। फिर इस सिनेरियो में अगर आप रेड और उसको वो ऑन कर दो ग्रीन को, तो आपके पास डिफरेंट कलर येलो आएगा। ऐसे ही नहीं, याद नहीं करने मेरे भाई, सिर्फ समझना है हमने बिट डेप्थ को, समझ रहे, सही है। अब अगर मैं जैसे बिट डेप्थ को इंक्रीज कर दूंगा ना, बिट डेप्थ को जैसे ही इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों के पास जो शेड्स हैं, रेड के अलग अलग शेड्स आ जाएंगे, ग्रीन के अलग अलग शेड्स आ जाएंगे, ब्लू के अलग अलग शेड्स आ जाएंगे, जैसे इस सिनेरियो में हो रहा था आपके पास, ठीक है। तो मोस्टली आप लोग का 8 बिट्स इस्तेमाल हो रही होती हैं कलर्स को शो करने के लिए। आगे बढ़े, क्लियर है सबको।
बिट दत्त ले रहा, बेहतरीन। अच्छा अब अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे 256 कलर्स चाहिए, सही है, एक कॉमन तुम लोग से क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर मुझे 256 कलर्स चाहिए तो कलर डेप्थ क्या रखूँ मैं, कलर डेप्थ क्या रखूँ। बिल्कुल सही जवाब, और ये आप लोगों का सवाल आता है पासपोर्ट में, अभी आगे दिखा दूंगा मैं। चलो अब दो टर्म्स के बारे में और बात करनी है, जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है, इतने डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग इसको फिर भी कर लेते हैं। कॉपी एंड पेस्ट जल्दी से। अच्छा भाई मेटा डेटा क्या होता है, मेटा डेटा क्या होता है पहले इसको समझते हैं। मेटा डेटा ये होता है डेटा अबाउट डेटा, मतलब आपके पास एक फाइल है ऑलरेडी, एक सेकंड दीजिएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मेटा डेटा क्या होता है, मेटा डेटा होता है का डेटा अबाउट डेटा, मतलब एक फाइल है, एक डेटा आपके पास ऑलरेडी है, और उसको डेटा एक पर्टिकुलर डेटा जो कि उस पर्टिकुलर डेटा को डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब फाइल नेम, एक फाइल आपके पास मौजूद है, उसका फाइल का नेम क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसकी कलर डेप्थ क्या है, तो इसका हम लोग कहते हैं मेटा डेटा, सही है। अब ये फाइल हेडर क्या होता है, फाइल हेडर एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मेटा डेटा की स्टोर हुई होती है, कंटेन्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द इमेज, सच एज इमेज साइज, नंबर ऑफ पिक्सल्स, टाइप ऑफ कंप्रेशन, कलर डेप्थ, ये फाइल लोकेशन, सही है, इसको हम लोग फाइल हेडर कहते हैं, कोई भी इसमें ऐसी अच्छी मुश्किल चीज नहीं। फाइल हेडर दोबारा, चलो कंटेन्स इन्फॉर्मेशन, एक ऐसी जगह होती है, एक हेडर जैसे इमेज है ना, तो एक उसके एक इन्फॉर्मेशन का जो टैब होता है ना, एक पर्टिकुलर इमेज खोलो, उसकी हर इमेज की एक इन्फॉर्मेशन होती है कि उसमें कितने पिक्सल इस्तेमाल हुए हैं, उसका कलर डेप्थ क्या है, उसकी फाइल साइज क्या है, उसका फाइल लोकेशन क्या है, उस पर्टिकुलर जगह को जहाँ पे आपके सारे डाटा स्टोर हुआ होता है ना, दिखा रहा होता है आपको, उसको हम लोग फाइल हेडर कहते हैं। अब क्लियर है मोनम साहब, किसी भी पिक्चर की अबाउट पे जाओगे ना तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। आगे बढ़े, नहीं एक ही चीज़ है, फाइल हेडर के अंदर जो है ना आपका मेटा डेटा स्टोर हुआ होता है, बस ये फर्क है। मेटा डेटा क्या है, डेटा अबाउट डेटा, तो ये कंप्रेशन कलर डेप्थ ये सब क्या है, मेटा डेटा हुआ ना। एक सवाल और करते हैं जल्दी से, अच्छा सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है। हाउ इमेजेस आर इनकोडेड इनटू अ डिजिटल फॉर्मेट, चलो इमेजेस तो आ गई, पिक्सल भी आ गए, अब ये डिजिटल फॉर्मेट में कैसे स्टोर हुई होती हैं आपकी पीसी पे, ये हम लोगों ने सीखना है। जल्दी से इसको एक दफा लिख लो, द इमेजेस आर स्टोर्ड एज बिट मैप इमेजेस, बिट मैप की फॉर्म में स्टोर हुई होती हैं हर एक इमेज, इवन कि अगर आपका वेक्टर ग्राफिक्स भी है ना, तो वो भी आप लोगों का बिट मैप की फॉर्म में ही स्टोर होगा, मतलब वो कन्वर्ट होगा बिट मैप के अंदर, और फिर उसके बाद हम लोग उसको स्टोर करेंगे, सही है। द इमेजेस आर स्टोर्ड एज बिट मैप इमेजेस, अब हर इमेज जो होती है वो पिक्सल्स की बनी हुई होती है, इवन कि अगर वेक्टर ग्राफिक्स भी है उसको हम लोग रेस्टराइज करते हैं। रेस्टराइज क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जो कि वेक्टर ग्राफिक्स को बिट मैप ग्राफिक्स में कन्वर्ट करता है, सही है। अब बात सुनो गौर से, हर इमेज जो होती है वो पिक्सल से बनी हुई होती है, ईच पिक्सल इज ऑफ अ सिंगल कलर, मतलब हर एक पिक्सल की एक वैल्यूज है, हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया रेड ग्रीन ब्लू, सही, हर एक पिक्सल का एक अपना कलर होता है, और उस हर एक कलर का एक डिफरेंट बाइनरी नंबर है, मतलब रेड का डिफरेंट बाइनरी नंबर है, ग्रीन का डिफरेंट बाइनरी नंबर है, येलो का डिफरेंट बाइनरी नंबर है, हर एक कलर के अपने बाइनरी नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस सिनेरियो की बात करूं, ये वाला सिनेरियो कॉपी पेस्ट, चलो हमारे पास अब कितने ऑप्शंस हैं, अब इसको देख लेते हैं। अब हमारे पास ऑप्शंस हैं एक वाइट बॉक्स, उसको कॉपी एंड पेस्ट, एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, एक सेकंड दीजिएगा। स्क्रीन शेयर हो रही है,
बेहतरीन, सही 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 समझ गया। चलो हम लोग कर रहे थे इसको ना, इस चीज को कर रहे थे हम लोग। सही है, दिस वर्क्स। अच्छा अब हम हर एक एक पिक्सल को अलग कर रहे हैं यहाँ पे, हर एक एक पिक्सल को अलग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना इसको वैसे कर देता हूँ। एक सेकेंड दीजिएगा मुझे। अच्छा हम लोगों ने ये कर लिया था, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्जन देख ली थी कि अगर भाई रिकॉर्डिंग मिस हो गया तो एक दफ़ा फिर से देख लो। अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे वैल्यूज दे दी थी इनकी, एक पर्टिकुलर 110001, और उसके बाद मैंने उनको यहाँ पे बिल्कुल उसी फॉर्मेट में सीक्वेंस में स्टोर कर दिया जिस फॉर्मेट में आप लोगों के पास इस पर्टिकुलर इमेज के अंदर स्टोर हुआ हुआ था। सही है, अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ ग्राफिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर। फीचर्स ऑफ ग्राफिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आपके पास रिसाइज है, क्रॉप है, ब्लर है, रेडर रिडक्शन है, ये सारी चीज़ें चाहे आप लोगों को पता होनी चाहिए, जल्दी से इसको लिख लो अपने पास। सही है, रीसाइज क्या होता है, इंक्रीज साइज डिक्रीज द साइज ऑफ द इमेज। क्रॉप क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द इमेज आप रिमूव कर देते हो। ब्लर क्या होता है, आप फोकस को रिड्यूस कर देते हो। रेड रिडक्शन क्या होती है, जो कि आप लोगों की रेड लाइट आपके आंखों में से जो रिफ्लेक्ट हो रही होती है जो फ्लैश पड़ने के बाद, तो उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। सही है, लेकिन अब आपके कैमराज ही ऐसे आ गए जो कि ऑटोमेटिकली रेड रिडक्शन करते हैं। चलो जी यहाँ तक हो गया था, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है आप लोग पास वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स हम लोगों ने ऊपर डिटेल में डिस्कस कर लिया है, अब इसको बस हम लोग लिखो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वेक्टर ग्राफिक्स। पहले इसको लिखो, वेक्टर ग्राफिक्स स्टोर्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अबाउट हाउ टू ड्रॉ द शेप। इस पे फोकस करो, हाउ टू ड्रॉ द शेप। सही, हम लोग उस पर बात नहीं करते हैं कि आप लोगों का अल्लाह भला करे पिक्सल्स फिक्स करके नहीं दे देते उसको, हम लोग उसको बताते हैं। वो जब भी एक नई इमेज क्रिएट करेंगे तो हम उसको बताएंगे भाई कि आप लोगों की जो इमेज है वो कैसे बनेगी। सही, कैन बी इनलार्ज विदाउट द इमेज बीइंग पिक्सेलेटेड। अब ये पिक्सेलेटेड क्या होता है, पिक्सेलेटेड ये होता है कि आप जितना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं इसकी, हाँ इसकी बात करते हैं, इसकी अगर मैं बात करूं आप लोगों से, अगर इसको गौर से देखो ना, तो इसमें हो क्या रहा है कि ये वाली जो इमेज है ना, ये थोड़ी और ज्यादा आप लोगों को स्मूथ नहीं दिख रही। अगर मैं इसको जूम आउट करता जाऊं, जूम आउट करता जाऊं, जूम आउट करता जाऊं, तो ये बिल्कुल एक आप लोगों का एक छोटा सा सर्कल बन जाएगा, लेकिन इसको मैं जितना जूम इन करता रहूंगा आपकी इमेज जो है वो फटती चली जाएगी, फटती चली जाएगी। तो जो हम लोग अपनी जबान में इसको फटना कहते हैं ना इमेज का, वो बेसिकली आपका होता है पिक्सलेटेड। सही है, मतलब आपकी जो पिक्सल्स हैं वो दिखना स्टार्ट हो जाते हैं आपको, और आपकी इमेज जो है वो ब्लर सी हो जाती है। सही है, क्लियर भाइयों और बहनों, आई गेस दैट वर्क्स। चलो आई गेस पिक्सेलेटेड में इतना कोई मसला भी नहीं होना चाहिए। डो नॉट कंप्रेस वेल, क्यों कंप्रेस नहीं होती, क्योंकि ये इमेज है नहीं बेसिकली, सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोर हुई। अब इंफॉर्मेशन को आप कैसे कंप्रेस करोगे, सही है, कोई भी इंस्ट्रक्शन आपकी स्किप हुई तो आपका वो इमेज ही नहीं फॉर्म हो सकती। लेकिन बिटमैप इमेजेस को कंप्रेस किया जा सकता है, क्योंकि उनके आप कलर की वैल्यूज का कम कर सकते हो, कलर्स डिफरेंट हो जाएंगे, बिट उनको कलर को कम कर दिया, बिट डेप्थ कम कर दी, तो आपका कंप्रेशन हो गई। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, कंप्रेशन आगे पूरा डिटेल में डिस्कस करना है, पूरा चैप्टर है उसका, लेकिन कंप्रेशन का बेसिक मतलब क्या होता है कि आपको फाइल साइज को कम करना है, अपनी जो आपका फाइल साइज उसको कम करना है। वेक्टर ग्राफिक्स को कम किया नहीं जा सकता इतना अच्छे से, क्यों, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ सिर्फ इंस्ट्रक्शंस और शेप्स होती हैं, उसमें आप कोई चीज कम कर नहीं सकते हैं। सही है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ अ वेक्टर ग्राफिक्स कैन बी ग्रुप्ड, मतलब हर एक एक अलग अलग इमेजेस की जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप मिला मिला के एक वेक्टर ग्राफिक्स को क्रिएट करते हो, सुटेबल फॉर मोर ज्योमेट्रिक शेप्स। फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैं बात करूँ, अच्छा पेपर्स वेक्टर ग्राफिक्स के फायदे हैं बहुत ज्यादा, कि आप उसके जितना इनलार्ज कर दो वो फटेगा नहीं, पहली चीज, पिक्सेलेटेड नहीं होता, ब्लर नहीं होता, फाइल साइज भी छोटा होता है। सही है, अब हम वेक्टर ग्राफिक्स ही क्यों क्यों नहीं इस्तेमाल करते। सही है, बात क्या है, मेन चीज फोकस किया करो, थोड़े सवाल खुद भी अपने आप से किया करो कि भाई जब बेहतर है वेक्टर ग्राफिक्स और आपका अल्लाह भला करे फाइल साइज भी छोटा है, तो हम लोग वेक्टर ग्राफिक्स क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे। इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रहे क्योंकि
क्योंकि आप हर चीज जो है वेक्टर ग्राफिक्स के जरिए उनको सेवन से डज नॉट कंप्रेस, प्रेफरेंसेस कैसे कम होता है, फाइल साइज ऑलरेडी कम होता है ना, सिर्फ इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई भी है ना, पिक्सल्स की कोई चीज स्टोर हुई भी है, कुछ भी सब वेक्टर ग्राफिक्स भी हम स्क्रीन पे शो होता है नहीं होता। जैसे ये इमेज है ना, ये भी पिक्सल्स में फॉर्म हुई भी है, पिक्सल्स में ही रिप्रेजेंट हुई भी है, ये वेक्टर ग्राफिक्स है, लेकिन फिर भी क्यों, क्योंकि ये रेस्टराइज हुई भी, आपकी स्क्रीन जो होती है वो पिक्सल्स पे, तो जाहिर सी बात है पिक्सल्स पे दिखेगा, लेकिन पहले ये इनलार्ज हुई है, फिर उसके बाद कन्वर्ट हुई है बिटमैप इमेज में, फिर यहाँ पे आपको शो हो रही है। सही है, मैंने बंद किस खुशी में कर दिया वन नोट, लेट्स सी वापस आते हैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि भाई हम लोग वेक्टर ग्राफिक्स ही क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें ये होता है आप लोगों का, हर एक चीज जो है वो वेक्टर्स के फॉर्म में शो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिक शेप इस्तेमाल करता है। अब अगर मैं एक बंदे की बात करूं, एक ट्रेंड चला था आजकल एक वेक्टर ग्राफिक्स का, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, वेक्टर ग्राफिक्स ओके। चलो भाई इसको देखो, इस पर्टिकुलर चीज का ट्रेंड चला था आप लोगों का वेक्टर ग्राफिक्स में, सही है, एक्चुअल इमेज जो है वो आप लोगों की रिप्रेजेंट नहीं हो सकती है। जैसे ये इमेज थी, ये बिल्कुल एक्यूरेट स्मूथ रिप्रेजेंटेशन इसकी वेक्टर ग्राफिक्स में पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। ये सारे जो ये वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं, सही है, तो इसलिए हम लोग जो है कुछ जैसे सीनरीज हो गई, ये सब चीजें जो है आप लोगों की इमोजीज हो गई, ये सब जो है आप लोगों की वेक्टर ग्राफिक्स पे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकते। बिल्कुल एवटार्स, ओके एवटार्स कह लो तुम लोग, जरूरी नहीं है कि यही टर्म दो, जल्दी से लिखो फीचर्स ऑफ वेक्टर ग्राफिक्स, टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करो। ये क्या भाई रेडर का, लिखो लिखो जल्दी जल्दी। नहीं नहीं अभी मैं इस्तेमाल ही नहीं करता भाई, ना इंस्टाग्राम ना फेसबुक, कुछ भी नहीं है, टेंशन नहीं। यस आई प्राउड टू बी, चलो आगे बढ़े। अब आप लोग के बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग वेक्टर ग्राफिक्स, कैन रीसाइज इट विदाउट पिक्सेलेशन, ये सब हम पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं, आप सब क्वेश्चंस कर रहे हैं, कैन रीसाइज इट विदाउट पिक्सेलेशन, इमेजेस आर रीड्रॉन विद ईच एडजस्टमेंट, ये सब हम डिस्कस चुके हैं, अगर कोई इमेज बड़ी भी करनी है आप लोगों ने, इनलार्ज करनी है तो वो फिर से रीड्रॉ होगी, स्मॉलर फाइल साइज होता है ये भी डिस्कस कर लिया, स्टोरिंग कमांड्स नॉट इंडिविजुअल पिक्सल्स, इंडिविजुअल पिक्सल स्टोर नहीं कर रहा है सिर्फ कमांड स्टोर कर रहा है, तो आपका फाइल साइज भी छोटा है, कैन बी ट्रांसफर्ड क्विकर एंड डाउनलोड क्विकर, क्यों, क्योंकि फाइल साइज छोटा है भाई, क्लियर है यहाँ तक सबको, जल्दी से लिखो उसको अपने पास। अभी टर्म्स करनी है, फिर फाइल साइज की कैलकुलेशन है, एंड दैट्स इट, बस थोड़ा सा है। चलो जी, वेक्टर ग्राफिक्स के टर्म्स जल्दी से लिख लो अपने पास, प्रॉपर्टी ड्राइंग लिस्ट ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, प्रॉपर्टी क्या होती है, डेटा अबाउट द शेप्स, ड्राइंग लिस्ट क्या होती है, द लिस्ट ऑफ, ओ माय गॉड, द लिस्ट ऑफ शेप्स,
Yep, that works. बगैर पिक्सल से कोई स्क्रीन होती है? मेरे नहीं ख्याल, सर्च करके बताऊंगा, आई विल फाइंड इट। देखते हैं कोई होती है ही नहीं होती, और कैसी होती होगी ये भी सवाल है, लेकिन मेरे कोई उसमें नहीं है, नॉलेज में नहीं है। अच्छा जल्दी से ये टर्म्स लिख लो जो कि आप लोगों के वेक्टर ग्राफिक्स से रिलेटेड है। ड्रॉइंग लिस्ट क्या होती है? आपके जो भी पिक्सल्स आप जो भी शेप्स आप इस्तेमाल कर रहे हो उस लिस्ट में स्टोर होते हैं। ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जो कि आप लोग डिफरेंट शेप्स से एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे इस सिनेरियो में मैंने दो रेक्टेंगल जो है वो मेरे नॉर्मल शेप्स हो गए। अब अगर मैं एक पर्टिकुलर, जैसे मैंने एक टी बनाया है यहाँ से, ये वैसे तीन टाइटन्स के जो बेस होती है ना, हेडक्वार्टर्स वो है ये, बाय द वे फॉर योर नॉलेज। सही है? तो ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट है। अब मैं अगर तुम लोगों को बोलूँ कि भाई ड्राइंग लिस्ट में क्या क्या चीजें आएंगी, तो ये दो रेक्टेंगल्स आएंगे। सही है? प्रॉपर्टी, डेटा अबाउट द शेप्स, ये कितनी लेंथ है, कितनी विड्थ है, कौन सा कलर है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। जल्दी लिख लो उसको ताकि आगे बढ़े, नोट्स भी मिल जाएंगे। आखिरी चीज, फाइल साइज की कैलकुलेशन बिट मैप इमेजेस की। और से सुनना, फाइल साइज की कैलकुलेशन बिट मैप इमेजेस की। सही है? जल्दी से फॉर्मूला लिख लो अपने पास। साइज का फॉर्मूला है नंबर ऑफ विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय कलर डेप्थ। चलो इसको याद भी किया जा सकता है, इसको समझा भी जा सकता है। सही है? अब इसको पहले समझते हैं कि अगर कोई भी फाइल की साइज को कैलकुलेट करना है तो क्या होगा। पिक्सेल्स में ही रिप्रेजेंट होनी है तो फर्क क्या रहे या दोनों, मैं बताता हूँ मोरिस, मैं बताता हूँ। चलो विड्थ पिक्सेल्स और हाइट पिक्सेल्स का मतलब क्या है? अगर आप विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करोगे, इस फॉर्मूले को समझो थोड़ा सा। विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है? कि आप नंबर ऑफ पिक्सेल्स फाइंड आउट करोगे उस पर्टिकुलर इमेज के अंदर कितने पिक्सेल्स हैं, और कलर डेप्थ क्या होती है, बेसिकली स्क्रीन रेजोल्यूशन। स्क्रीन रेजोल्यूशन ही इमेज की वो बात हो रही है, स्क्रीन रेजोल्यूशन नहीं है, इमेज की बात हो रही है, फाइल साइज ऑफ एन इमेज। सही है? तो विड्थ पिक्सेल ऑफ एन इमेज मल्टीप्लाई बाय हाइट पिक्सेल से आपके पास टोटल नंबर ऑफ पिक्सेल्स आ जाएंगे। जब आपके पास टोटल नंबर ऑफ पिक्सेल्स आ गए, आपको कलर डेप्थ पता है। कलर डेप्थ क्या होती है? नंबर ऑफ बिट्स, मतलब कितनी मेमोरी आप कंज्यूम कर रहे हो पर पिक्सल। सही है? अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे कलर डेप्थ से, तो आपके पास एक साइज आ जाएगा जो कि बिट्स की फॉर्म में आएगा। इस चीज को दिमाग में रखना है। फाइल साइज की कैलकुलेशन हमेशा बिट्स की फॉर्म में आंसर आएगा। अब बिट्स को अगर बाइट्स में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? डिवाइडेड बाई एट करोगे। डिवाइडेड बाई एट क्यों करें? क्योंकि हमेशा हमें पता है एक बाइट के अंदर कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं। तो मैंने उसको डिवाइड बाई एट कर दिया। जब मैं डिवाइड बाई एट करूंगा तो मेरे पास आंसर किस में आ जाएगा? बाइट्स में आ जाएगा। सही है? अब अगर मुझे उसको केबी में करना है या एमबी में करना है, तो फिर मैं उसको और डिवाइड बाई या तो 1000 या तो 1024 करूंगा। सही है? अब ये सवाल देखते हैं, आप लोगों के 500 रुपये का सवाल है। चलो फिर से देखो मोहम्मद, फिर से सुनो। फाइल साइज की कैलकुलेशन में होता क्या है कि आप लोगों के पास साइज होते हैं, फाइल साइज आपको कैलकुलेट करना है। अब विड्थ पिक्सल और हाइट पिक्सल से तो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके पास, इन टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स आ जाएंगे किसी एक इमेज के अंदर कितने टोटल पिक्सल्स हैं। अब अगर मैं कलर डेप्थ की बात करूं, कलर डेप्थ क्या होता है? नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड पर पिक्सल, मतलब एक पिक्सल के कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स इस्तेमाल किए। बिट्स क्या था? बिट्स आपकी मेमोरी होती है। बिट्स क्या होती है? मेमोरी। और अगर तुम लोग उसमें जाओ स्टार्टिंग के डेटा रिप्रेजेंटेशन में, तो हमने वहां पे, मैंने इसीलिए तुम लोगों को कहा था कि हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे, और वो चीज़ जो है जो साइज कन्वर्जन थी ना, वो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने इसको अप्लाई करनी है। अच्छा फिर से सुनो, एक बाइट के अंदर, वन बाइट कंटेन्स हाउ मेनी बिट्स? वन बाइट कंटेन्स 8 बिट्स। बात समझ आई? एक बाइट के अंदर कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। तो इसीलिए हम लोग के जो आंसर आता है ना, कलर डेप्थ जो होती है वो हमेशा बिट्स की फॉर्म में होती है। जब बिट्स की फॉर्म में कलर डेप्थ है आपकी, तो उसका मतलब क्या है कि आपको इसको कन्वर्ट करना है बाइट्स के अंदर। बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? डिवाइडेड बाय 8 करोगे। यहाँ पे चलो इसकी अब थोड़ी वर्किंग देखते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। हाँ, डिवीजन वाली बात कर रहा हूँ मैं, चलो बता रहा हूँ। इस सवाल को देखो, अ डिजिटल कैमरा टेक्स अ बिट मैप इमेजेस, द इमेज इज 2000 पिक्सल्स वाइड बाय 1000 पिक्सल्स हाई। ये 5 रुपये का क्वेश्चन है आप लोगों का, बहुत गौर से देखना।
विद अ कलर डेप्थ ऑफ 24 बिट्स, कलर डेप्थ ऑफ 24 बिट्स को पहले समझते हैं। कलर डेप्थ ऑफ 24 बिट्स का मतलब क्या है कि 24 बिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं एक पिक्सल की वैल्यू को स्टोर करने के लिए। 24 बिट्स, बहुत गौर से सुनो, 24 बिट्स आर बीइंग यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू ऑफ वन पिक्सल। एक पिक्सल की वैल्यू को स्टोर करने के लिए 24 बिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। मतलब कि अगर मैं तुम लोग को बिट्स की यहाँ पे देखते हैं, ये तो ऐसे तकरीबन आप लोग के 24 बिट्स इस्तेमाल होंगे एक पर्टिकुलर पिक्सल की वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अब अगर मुझे टोटल फाइल का साइज कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स पहले पता कर लेता हूँ और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा कलर डेप्थ से। बिल्कुल सेम चीज मैंने की, 2000 मल्टीप्लाई बाय 1000, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स आ गए। मैं फिर मैंने इसको कलर डेप्थ से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय 24, तो मेरे पास कितने बिट्स आ गए आंसर में, 4800000 बिट्स। सही है, अभी मेरे पास आंसर बिट्स में आया। लेकिन अब अगर गौर से देखो नीचे, तो आंसर उसको एमबी में चाहिए। सही है, किसमें चाहिए, एमबी में। एमबी का मतलब क्या है कि आपको इसको कन्वर्ट करना है बिट्स को। अब क्या करोगे, अब बिट्स को सबसे पहला स्टेप होता है कि आप बाइट्स में कन्वर्ट करोगे। बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमेशा याद रखो, बाइट्स में अगर कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टू बाइट्स बाय डिवाइडिंग विद 8। जब आप इसको 8 से डिवाइड करोगे ना, 8 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एक बाइट के अंदर कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं। सही है, तो अब हम इसको कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 8 किया हम लोगों ने, तो हमारे पास आंसर आ गया समथिंग 6000000 बाइट्स। लेकिन अभी भी हमें आंसर बाइट्स में नहीं देना है, हमें आंसर किस में देना है, एमबी में। तो अब इसको या तो आप 1024 से डिवाइड करते हो या तो आप 1024 से डिवाइड करते हो। सही है, अब अगर देखो मुझे पहले बाइट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा केबी में। बहुत गौर से सुनना, कंफ्यूजिंग हो सकती है इसमें। बाइट्स में आंसर आ गया था मेरा, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना था केबी में, तो मैंने इसको एक दफा डिवाइड बाय 1000 किया। जब मैं इसको एक दफा डिवाइड बाय 1000 करूंगा, तो सर आपने 0.24 से क्यों नहीं किया, मैं बता रहा हूँ, अभी सिर्फ 1000 से कर लो, मैं आगे तुम लोग को 1024 का भी बताता हूँ मैंने क्यों नहीं किया। अब अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगा ना, तो मेरे पास एक आसानी है। आसानी क्या है कि अगर मैं इसको इजीली यूं कट कर सकता हूँ, 1, 2, 3, 1, 2, 3। सही है, अब इसको मैं, अभी मेरा आंसर किस में आ गया, केबी में, 6000 केबी मेरे पास आंसर आ चुका। लेकिन मुझे केबी में तो आंसर चाहिए नहीं, मुझे एमबी में चाहिए। अब इसको एक और दफा 1000 से डिवाइड करूंगा, तो अब मैंने जब 1000 से डिवाइड किया तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो मेरे पास आंसर क्या बच गया, 6 MB। सही है, अब आओ मार्क्स स्कीम देखते हैं। अच्छा, अब एक काम करना है, ये किसने मुझे पूछा था जरा सवाल, मोहम्मद साहब ने पूछा ना, मोहम्मद एक काम करना मेरे लिए भाई, इसको जरा ना तो मुझे 1024 से डिवाइड करके देना विदाउट कैलकुलेटर, तुम्हें समझ आ जाएगा मैंने क्यों नहीं किया। ये लो भाई, मोहम्मद साहब जल्दी से विदाउट कैलकुलेटर इसको मुझे कैलकुलेट करके दिखाओ विदाउट कैलकुलेटर, और सिर्फ टाइम है तुम्हारे पास 1 मिनट, 10 सेकंड लगा लो, चलो 20 सेकंड कर लो, 30 सेकंड कर लो, बहुत है 30 सेकंड, बहुत है। समझ आई जी, इसी यही वजह है मैंने इसलिए नहीं की। सही है, अब देखो कुछ पर्टिकुलर चीज जो होती है ना, ये आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि आप देख रहे हो कि भाई जब आपने एग्जामिनर को देखो, यहाँ पे आंसर देखो, आंसर किस में आ रहा है, 6 MB और 5.7 MB। इसका मतलब क्या होता है कि या तो आप 6 MB में आंसर दो या तो 5.7 में आंसर दो। अच्छा, अब अगर वो यहाँ पे तुम लोगों को वो कर दे, बाउंड कर दे, बाउंड कैसे करेगा, अब इस चीज को सुनो, वो बाउंड करेगा तो मैं यहाँ पे मे बी बाइट करके, क्या करेगा, मे बी बाइट। मे बी बाइट हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि मे बी बाइट में तो हमेशा 1024 इस्तेमाल होता है। मे बी बाइट में आपका क्या इस्तेमाल होता है, 1024 की कन्वर्जन, और एम बी में क्या होती थी, 1000 की कन्वर्जन। सही है, जो हम लोगों ने प्रीफिक्सेस पढ़े थे, बाइनरी डेनरी प्रीफिक्सेस, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है। अब अगर वो आपको बाउंड कर दे कि आपने मे बी बाइट इस्तेमाल करना है, तो उस सिनेरियो में भी आप लोगों के पास क्या होता है, इतनी डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं आती है। अब अगर तुम इसको 6000000 को तुम 1024 जब डिवाइड करोगे, तुम लोगों का पूरा पेपर निकल जाएगा, ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। सही है, और तुम लोग का 5.7 एक्यूरेट आंसर आएगा भी नहीं। अब इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि आपको एग्जामिनर जो है उसके पास भी थोड़ा दिमाग है, उसको पता है कि भाई आप लोगों के पास कैलकुलेटर नहीं है, तो वो आप लोगों को इस पर्टिकुलर फॉर्म में
देता है। तो जैसे 1024 दे दिया तो वो दूसरी वैल्यू दे देगा 2048, और उसको फिर डबल कर लो तो दैट वुड बी अराउंड, सही है, मतलब इसी की फैक्टर्स में होगा, 1024 के फैक्टर्स में होगा। तो उसको इजीली कट करना आसान है। जैसे अगर मैं बात करूँ 2048 आपके पास बाइट्स हैं, उसको आपने डिवाइड करना है 1024 से, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, हाँ भाई ये तो 2 आ रहा है, इसको मैं यहाँ से कट करूँगा, यहाँ से कट करूँगा तो मेरे पास आंसर 2 आ जाएगा। सही है, तो कैलकुलेशन बहुत आसान होती है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना टाइम ज़ाया नहीं करना, लेकिन अगर फंस जाओ तो हाँ फिर आपको ऑफकोर्स करनी पड़ेगी। सही है, क्लियर है बात? अगर मैं भी बाइट है तो उसमें कभी भी गलती नहीं करना कि 1000 से डिवाइड कर रहे हो। अगर मैं भी बाइट, के भी बाइट, गी भी बाइट, ऐसी चीज़ें आती हैं तो फिर कभी भी उसमें आप 1000 इस्तेमाल नहीं करोगे, वो आपको बाउंड कर देगा कि भाई 1024 ही इस्तेमाल करना है। आगे बढ़े इस सवाल को देख लें। चलो जी, मैक्सिमम नंबर ऑफ कलर्स, आखिरी सवाल है बस, क्लास खत्म आप लोगों की। मैक्सिमम नंबर ऑफ कलर्स और मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स, मतलब इसको मैं थोड़ा सा हटा दूं यहाँ से। ओ भाई कहाँ जा रहे हो? ओके जी, अब उसने क्या आपको कि नंबर्स ऑफ कलर्स बता दिए और आपको बिट डेप्थ बता दिए, तो अब आपको कह रहा है कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स कितनी चाहिए इस इन पर्टिकुलर कलर्स को स्टोर करने के लिए। तो सबसे आसान तरीका पता है क्या इनका, कि आपने उसको किया 2 रेस टू द पावर 1, 2 रेस टू द पावर 2, 2 रेस टू द पावर 3, 2 रेस टू द पावर 7, 2 रेस टू द पावर 8, 2 रेस टू द पावर 9। इनकी पहले वैल्यूज निकाल लो, ये 2 आ रही है, ये 4 आ रही है, ये 8 आ रही है, ये 128 है, एंड यू हैव 256, एंड देन यू हैव 512। सही है, ये मैंने क्यों किया है, मेरे पास ये नंबर ऑफ कलर्स आ गए। अब अगर मैं इनको इजीली जो है मैच कर सकता हूँ, 128 में 68 कंबाइन हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा, फिर 256 के लिए आपका 8 बिट्स चाहिए आपको। अगर आपके पास दो कलर्स हैं तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स सिर्फ एक ही चाहिए, या तो 0 या तो 1। 249 है तो आपको फिर भी उस सिनेरियो में भी 8 बिट्स चाहिए होंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था आप लोगों का, कोई मसला? सर फोर्थ ऑप्शन एक्सप्लेन करें कैसे, फोर्थ कौन सा भाई? मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स की बात हो रही है ना, इस सिनेरियो में मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स की बात हो रही है। कोई और आपको ऑप्शन नहीं दिया हुआ ना उन्होंने, 5 6 नहीं दिया हुआ ना? चलो दोबारा समझा दूं, चलो 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 चलो, मसला नहीं। चलो मैं तुम लोग से सवाल करता हूँ, मुझे अगर 256 कलर्स रिप्रेजेंट करने तो मेरे पास मिनिमम नंबर ऑफ बिट डेप्थ क्या चाहिए? 8 चाहिए। सही है, तो ये आप लोगों ने 256 को 8 से कंबाइन कर दिया, वो कर दिया। अब अगर मैं बात करूँ, मुझे 68 कलर्स को रिप्रेजेंट करना है, लेकिन मिनिमम आपके पास जो कलर डेप्थ के ऑप्शन है वो सब ये हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 7 8 9। सही है, ऑप्शन सिर्फ आपके पास ये हैं। अच्छा, तुम लोग ये कह रहे हो कि 127 क्यों नहीं किया? अच्छा सही है सही है, ठीक है ठीक है, मैं कर देता हूँ इसको, मैंने शायद वो नहीं किया हुआ। ये कंबाइन हो जाएगा इसके साथ ऐसे, सही है, बिल्कुल बिल्कुल 7 आएगा। सही, हाँ वो मैंने एक मिस कर दिया था। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, बेसिक? हाँ, डबल मैचिंग करनी जरूरी है, करनी है, मार्क्स इसके भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है आप लोगों का। आप नंबर ऑफ कलर्स देखोगे और नंबर ऑफ बिट्स देखोगे, तो भाई इनमें आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया। सर सबसे पहला काम क्या करना है, ये वाला काम करना है कि आप उनके जो 2 रेस टू द पावर 9 करके आप नंबर ऑफ कलर्स फाइंड आउट कर लो। तो इसमें आप 512 कलर्स जो रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसमें 256 कलर्स रिप्रेजेंट हो सकते हैं, इसमें 128 हो सकते हैं, इसमें 8 हो सकते हैं, इसमें 4 हो सकते हैं, इसमें 2 हो सकते हैं, उनको फिर बस मैच करना है। क्लियर है भाइयों? सही है जी, इंशाल्लाह जी फिर मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों से। अगली क्लास में हमने साउंड करना है, फिर आप लोगों से मिलते हैं कल। सही जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।